दोस्तों, एटीएफई टेक में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ आप लोग रेडमी 6 प्रो में TWRP कैसे इंस्टॉल करें। तो चलिए दोस्तों, मैं लेके जाता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन में, वहाँ पे आप लोग को मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी लैपटॉप के स्क्रीन में आ गया हूँ। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाऊंगा रेडमी 6 प्रो का TWRP कैसे डाउनलोड करें, उसके बाद कैसे इसको इंस्टॉल करें। आप लोग को क्या करना है, गूगल क्रोम में चले जाना है। गूगल क्रोम में यहाँ पे जाके आप लोग यहाँ पे TWRP सर्च कर देना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरह के इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे डिबग जो है इसमें क्लिक कर दीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद इस तरह के इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप लोग थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। मैं Xiaomi का यहाँ पे देखिए डाउनलोड करूँगा, इसमें क्लिक कर देता हूँ। और उसका बाद यहाँ पे Note 6 या Redmi 6 Pro है जो इसका मैं डाउनलोड करूँगा, मैं उसको मैं निकाल लेती हूँ यहाँ से। ये देखिए Redmi 6 Pro है, मैं इसका डाउनलोड करूँगा। उसका बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर दूँगा। यहाँ पे देखिए प्राइमरी अमेरिका जो है इसमें क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत सारे वर्जन का है। यहाँ पे मैं पहला जो वर्जन है उसको डाउनलोड कर लेती हूँ। डेस्कटॉप में रखता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए, मैं जो TWRP डाउनलोड दिया था वो TWRP यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। मैं अभी इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। दोस्तों, आप लोग अगर नया है TWRP को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग ADB फाइल अगर डाउनलोड इंस्टॉल नहीं किया है तो आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। मैं पहले इंस्टॉल कर रखा था, अभी इसका अंदर में मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ और इसको मैं रीनेम भी कर देती हूँ। उसके बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे कमांड लिखना है CMD। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया है। अभी आप लोग को क्या करना है, आपका जो मोबाइल है, आपका मोबाइल को फास्ट बूट मोड में लाना है। फास्ट बूट मोड में लाने के लिए दोस्तों, आपका मोबाइल को मोबाइल ऑन है तो पहले इसको ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद यहाँ पे देखिए पावर बटन और जो वॉल्यूम डाउन की, इस दोनों को एक साथ दबा के रखें। ये देखिए फास्ट बूट मोड में आ गया है। अभी USB से आप लैपटॉप में कनेक्ट कर दीजिए। ये मेरा मोबाइल कनेक्ट हो गया है। अभी यहाँ पे कमांड डालना है फास्ट बूट। फास्ट बूट डिवाइसेस एंटर कर देना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा जो डिवाइस है यहाँ पे ले लिया है। अभी यहाँ पे आपको कमांड डालना है फास्ट बूट स्लैश रिकवरी स्पेस। उसका बाद दोस्तों यहाँ पे जो मैं TWRP रखा था आप लोग को मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे Redmi 6 Pro ये देखिए, इसको आप यहाँ से पकड़ के इसमें छोड़ दीजिए। छोड़ दे के इसको एंटर कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, TWRP इंस्टॉल हो गया है। अभी इसको क्या करना है दोस्तों, आप वॉल्यूम अप और पावर बटन दोनों को एक साथ प्रेस कर दीजिए। अभी पावर बटन छोड़ दीजिए। ये देखिए दोस्तों, TWRP मोड में आ गया है।
तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग TWRP को डाउनलोड करके Redmi Notes, Redmi 6 Pro में आप लोग TWRP डाल सकते हैं।